ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स 28 मार्च 2002। इस वर्ष को निर्माण, निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाएं। निर्माण, निर्मल, व्यर्थ से मुक्त, मुक्ति वर्ष मनाओ। आज बाप दादा, निराकार परमात्मा शिव बाबा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई तीन लकीरें देख रहे हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की, और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। प्रभु पालना, श्रेष्ठ पढ़ाई और श्रेष्ठ मत। परमात्मा परम पिता भी हैं, परम शिक्षक हैं, परम सत गुरु हैं। तो परम पिता से प्रभु पालना, परम शिक्षक से श्रेष्ठ पढ़ाई और परम सद्गुरु से श्रेष्ठ मत मिलती है। तीनों ही लकीर चमक रही है। ये तीनों लकीर सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। ये तीनों लकीर सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। आप सभी भी अपनी तीनों लकीरें देख रहे हो ना? आप सभी अपनी तीनों लकीरें देख रहे हो ना? प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता। निराकार परमात्मा को पहचान कर खुद को आत्मिक स्थिति में स्थित कर, उनसे कनेक्शन जोड़कर, उनके प्यार, पालना, शिक्षाएं, श्रीमत का अनुभव करना, ये नॉलेज से होता है। पहले ज्ञान मिलता है, फिर हम परमात्मा से योग लगाते हैं और फिर परमात्मा की समीपता, परमात्मा से एक पर्सनल रिलेशनशिप वो अनुभव होता है। तो बाबा उनको ब्राह्मण बच्चे कहते हैं जो भगवान को पहचान कर नए संस्कारों की रचना करने की प्रतिज्ञा करते हैं और अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा उठाते हैं, उन्हें बाबा ब्राह्मण आत्मा कहते हैं। तो बाबा ने कहा, प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता। परमात्म पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा था कि मुझ आत्मा को परमात्म पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है? ऐसी पालना जिससे श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। कलयुग के अंतिम समय पर निराकार परमात्मा श्री बाबा इस सृष्टि पर अवतरित होकर हमें ज्ञान, योग, धारणा, इनसे संस्कार परिवर्तन की शिक्षा देते हैं और इस संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन हो जाता है। कलयुगी सृष्टि परिवर्तन हो, अब सत्युगी दुनिया तो बननी ही है, और सत्युग में जो आत्माएं होंगी वो पूजनीय होंगी, बट वो पूजनीय अर्थात 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी किस आधार से बनेंगी? इस समय के प्रभु पालना, परमात्म पढ़ाई और परमात्म मत से अपनी स्थिति को सत्युगी बनाने से। तो बाबा ने कहा, परमात्म पालना, इस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। कभी स्वप्न में सोचा था कि मुझ आत्मा को परमात्म पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है, लेकिन
अभी साकार में अनुभव कर रहे हो। स्वयं सतगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे। कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। स्वयं सतगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत देते हैं। भगवान हमें हर कर्म की श्रेष्ठ मत देते हैं। हर कर्म अर्थात हर सोच कैसी होनी चाहिए, फिर हर बोल कैसा होना चाहिए, हर व्यवहार कैसा होना चाहिए, समय, संकल्प, श्वास को कैसे सफल करना चाहिए, तो हर कर्म की परमात्मा मत देते हैं, जिससे कर्म बंधन, पहले हम कर्म बंधन में थे, कर्म बंधन अर्थात परिस्थितियों पर, लोगों पर, वस्तुओं पर, वैभवों पर, मन की स्थिति निर्भर थी, अर्थात अटैचमेंट, बंधन, डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी, कर्म के भी बंधन में थे। और अब कर्म बंधन से परिवर्तन कर कर्म संबंध में आने की श्रीमत दे लेते हैं। कर्म संबंध अर्थात कर्म करना है, ऐसे नहीं बस ऐसे बैठ जाना है, सिर्फ योग करना है, नहीं, सारा दिन में कर्म करना है, परिस्थितियों का सामना करना है, अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आना है, सबकी सेवा करनी है, साधनों का भी उपयोग करना है, सब कुछ करना है, किसी से दूर नहीं जाना है, अपने घर परिवार कारोबार की जिम्मेवारियों को बहुत अच्छे से निभाना है, लेकिन सब कुछ करते हुए सिर्फ एक शब्द परिवर्तन है, कर्म बंधन से कर्म संबंध, संबंध, कर्म बंधन अर्थात उसका प्रभाव हम पर, और कर्म संबंध अर्थात परमात्मा की याद में रहकर अपनी स्थिति से वो कर्म करते हुए अपनी स्थिति का प्रभाव, परमात्म शक्तियों का प्रभाव परिस्थिति लोगों पर, तो डिटैचमेंट में आ जाते हैं, डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, स्वराज्य में आ जाते हैं, गुलामी खत्म हो जाती है। तो स्वयं सतगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे। कर्म बंधन के परिवर्तन में कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। ये भी स्वप्न में नहीं था, लेकिन अभी अनुभव से कहते हो, हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है। डबल अंडरलाइन, चेकिंग कर लेनी है कि कोई भी ऐसा कर्म तो नहीं जो श्रीमत के विपरीत है। अभी अनुभव से कहते हो, हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है, ऐसा अनुभव है, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चों का बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं, वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान, वाह। और बच्चे कहते, वाह बाबा वाह, और बाप कहते, वाह बच्चे वाह। आज अमृत वेले से बच्चों के दो संकल्प से याद बाप दादा के पास पहुंचे, बच्चों के दो संकल्प भगवान को पहुंचे। एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी, पिछली मुरली में याद था ना, अंडरलाइन कराया था, 15 दिन का होमवर्क। तो एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी, दूसरी बाप के संग के रंग की होली याद थी। ये होली के दिन की मुरली होगी, तो दूसरी बाप के संग के रंग की होली याद थी। तो सभी होली मनाने आए हो ना, ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बनना, अंडरलाइन। कोई भी त्योहार, कोई भी विशेष दिन,
मनाना नहीं, उसको बनना, बनना ही मनाना है। होली मनाते हैं अर्थात होली बनते हैं। बाप दादा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों का होलीएस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है। वैसे द्वापर के आदि की महान आत्माएं और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं, लेकिन आपकी पवित्रता श्रेष्ठ भी है, न्यारी भी है। कोई भी सारे कल्प में, चाहे महात्मा है, चाहे धर्म आत्मा है, धर्म पिता है, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सतो प्रधान पवित्र, ऐसा होलीएस्ट कोई न बना है न बन सकता है। सत्युग त्रेता युग में आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी पवित्र, ऐसी होलीएस्ट आत्मा न कोई बनी है न बन सकती है। धर्म पिताएं, संत महात्माएं द्वापर युग से आए, आत्मा पवित्र लेकिन शरीर तो उस युग के था, प्रकृति भी थोड़ी सी तमो प्रधान होनी शुरू हो गई थी द्वापर युग से। तो बाबा ने कहा सत्युग और त्रेता युग जैसी आत्माएं वैसा भाग्य द्वापर और कलयुग में नहीं होता है। तो बाबा ने कहा अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। सबके सामने अपना भविष्य रूप आया या पता ही नहीं कि बनूंगा या नहीं बनूंगा, क्या बनूंगा, कुछ भी बनेंगे लेकिन होंगे तो पवित्र ना। सत्यु में आत्मा पवित्र, भावने का पद कोई भी हो लेकिन होंगे तो पवित्र, शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र और प्रकृति भी पवित्र, पावन, सुखदायी। निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हैं। निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हैं, अर्थात इतना निश्चय है कि अपना भविष्य स्पष्ट दिखाई दे कि हाँ हम ही हैं सत्युगी आत्मा। निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हैं, निश्चय है ना, टीचर्स को निश्चय है। अच्छा, एक सेकंड में अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो। चलो कृष्ण नहीं बनेंगे लेकिन साथी तो बनेंगे ना, कितना प्यारा लगता है। आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं आता है, बस सामने देखो, सामने। जैसे दुनिया में भी लोगों को जो बनना होता है उसको वो बुद्धि के नेत्र से सामने देखते हैं कि ये मुझे बनना ही है, ये मुझे अचीव करना ही है, यहाँ तक मुझे पहुंचना ही है। उनको दृढ़ निश्चय होता है, निश्चय होता है तो सिद्धि हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने देखो। आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं आता है, बस सामने देखो। अभी साधारण हूँ, अभी साधारण हूँ, कल ड्रामा का कल, ये कल नहीं जो कल आएगा, कल मतलब अगला युग। तो बाबा ने कहा ये कल नहीं, टुमारो नहीं जो कल आएगा, अभी साधारण हो कल। तो कल यही पवित्र शरीरधारी बनना ही है। आज साधारण है, कल यही पवित्र शरीरधारी बनना ही है। पांडव क्या समझते हो, पक्का है ना? शक तो नहीं है, पता नहीं बनेंगे
या नहीं बनेंगे शक है? नहीं है ना, पक्का है। जब राजयोगी हैं तो राज्य अधिकारी बनना ही है। बाप दादा कई बार याद दिलाते हैं कि बाप आपके लिए सौगात लाए हैं। तो सौगात क्या लाए हैं? सुनहरी दुनिया, सतुप्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं। भगवान सृष्टि पर आए हैं, 5,000 वर्ष के बाद बच्चों से मिलने आए हैं। आज कलयुग के अंत में भी कोई हमारे घर आता है तो सौगात लेकर आता है कि तो बहुत समय के बाद आपसे मिल रहे हैं। परमात्मा अपने बच्चों से मिलने पूरे कल्प के बाद, 5,000 वर्ष के बाद सृष्टि पर आए हैं। तो क्या सौगात लाए हैं? सुनहरी दुनिया, सत्वप्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं। तो निश्चय है, निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। रूहानी नशा उस स्थिति में रहेंगे फिर अगर निश्चय है, जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के भी समीप आ रहे हो और अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो, तो बार बार अपने स्वीट होम और अपने स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी ही चाहिए। ये समीप आने की निशानी है। अपना घर, अपना राज्य ऐसे ही स्पष्ट स्मृति में आए, तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे। अपना भविष्य, अपना घर, पहले क्या स्पष्ट दिखाई दे? अपना घर, परम धाम, अपना राज्य ऐसे ही स्पष्ट स्मृति में आए, तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे। बुद्धि के नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे, अनुभव हो आज ये कल ये, अनुभव हो आज साधारण है कल पवित्र शरीरधारी। कितने बार पाठ पूरा कर अपने घर और अपने राज्य में गए हो याद आता है ना, और अब फिर से जाना है। कितने बार अपना पाठ पूरा कर अपने घर और अपने राज्य में गए हो याद आता है ना, और अब फिर जाना है। इसीलिए बाबा सिखाते हैं चक्र को रिपीट करते रहो। याद है ना, पांच स्वरूप, बाबा ने कहा 5 सेकंड में उसको रिपीट करते रहो। मैं आत्मा परम धाम में, फिर मैं आत्मा सत्युग में, फिर मैं आत्मा द्वापर से पूज्य रूप में, फिर ब्राह्मण भाग्यशाली आत्मा संगम योग, और फिर फरिश्ता। ये चक्र घुमाना है। बाप दादा ने सभी की वर्तमान समय की रिजल्ट देखी, चाहे डबल फॉरेनर्स चाहे भारतवासी, सभी बच्चों की रिजल्ट में देखा कि वर्तमान समय अलबेलेपन के बहुत नए नए प्रकार बच्चों में हैं। अलबेलेपन के नए नए प्रकार, अनेक प्रकार का अलबेलापन है। मन ही मन में सोच लेते हैं सब चलता है, सब चलता है, श्रीमत पर चले नहीं चले, सही कर्म किया नहीं किया, सब चलता है। आजकल का सब बातों में ये विशेष स्लोगन है, सब चलता है। देखें आज बाबा कैसा स्लोगन हमें सुना रहे हैं। हमेशा तो स्लोगन जो सुनाते हैं बाबा, वो बाबा ने हमें दिया होता है, लेकिन आज बाबा हमें वो स्लोगन दिला रहे हैं याद, जो हमने बनाया है, जो श्रीमद के विरुद्ध है। तो आजकल का विशेष स्लोगन सब चलता है,
ये अलबेलापन है। साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ व स्व परिवर्तन में अलबेलेपन के साथ कुछ परसेंटेज में आलस्य भी है। अलबेलापन भी है और साथ में आलस्य भी है। हो जाएगा, कर ही लेंगे। बाप दादा ने नए नए प्रकार के अलबेलेपन की बातें देखी हैं, इसलिए अपना सच्चा सच्ची दिल से अलबेले रूप से नहीं अकाउंट जरूर रखो। बाबा ने नए नए प्रकार के अलबेलेपन की बातें देखी हैं, इसलिए बाबा बच्चों को क्या कह रहे हैं, अपना सच्चा सच्चा अकाउंट सच्ची दिल से अलबेलेपन से नहीं अकाउंट जरूर रखो। जैसे हम चार्ट में लिखते हैं अमृत वेला किया, लेकिन अमृत वेले कितनी देर वो शक्तिशाली बीज रूप स्थिति थी उसका अकाउंट रखना है, फिर उसको बढ़ाना है। सारा दिन में ट्रैफिक कंट्रोल किया, लेकिन उस 1 मिनट में भी स्थिति परम धाम में स्थिर थी, ये अकाउंट रखना है। सिर्फ किया नहीं रखना है, कैसे किया उसको बढ़ाना है। फिर सारा दिन में सबके साथ अच्छा व्यवहार किया, हर एक के लिए अच्छा सोचा, शुभ भावना रखी, तो चार्ट क्या है, डीपर जाना होता है और गहराई से। तो बाबा ने कहा सच्चे दिल से सच्चा चार्ट रखें। तो बाप दादा आज रिजल्ट सुना रहे हैं, सुनाए ना या सिर्फ प्यार करें, ये भी प्यार है। बच्चों को रिजल्ट सुनाना, आगे के लिए और शिक्षा देना, ये भगवान का परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु का हमसे प्यार है। हर एक से बाप दादा का इतना प्यार है कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर में चलें। भगवान का इतना प्यार है कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर में चलें, पीछे पीछे नहीं आवे, साथी बनकर चले। तो समान तो बनना पड़े ना, ब्रह्मा बाबा के समान बनेंगे तब ब्रह्मा बाबा के साथ चलेंगे। बिना समानता के साथी बन के नहीं चल सकेंगे। और फिर अपने राज्य का पहला जन्म तो पहला ही होगा ना, अपने राज्य का पहला जन्म अर्थात सत्युग में पहला जन्म। तो बाबा ने कहा पहला जन्म तो पहला ही होगा, अगर दूसरे तीसरे में आ भी गए, अच्छा राजा भी बन गए, लेकिन कहेंगे तो दूसरा तीसरा ना, साथ चलें और ब्रह्मा बाप के साथ पहले जन्म के अधिकारी बने, ये है नंबर 1 पास विद ऑनर वाले। ब्रह्मा बाप के साथ घर चलें और फिर पहले जन्म में अधिकारी बने, ये है नंबर 1 पास विद ऑनर वाले। तो पास विद ऑनर बनना है या पास मार्क्स वाले भी ठीक हैं। कभी भी ये नहीं सोचना कि जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, वो बाप दादा नहीं देखते हैं। इसमें कभी अलबेले नहीं होना। जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, वो बाप दादा नहीं देखते, इसमें कभी अलबेले नहीं होना। अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे तो बाप दादा बता सकते हैं, लेकिन अभी बताना नहीं है। बाप दादा हर एक महारथी घोड़े सवार सबका चार्ट देख रहे हैं। कई बार तो बाप दादा को बहुत
का रस आता है कौन और करते क्या है? है कौन और करते क्या है? कौन है? डायरेक्ट परमात्म, पालना, पढ़ाई और श्रीमत के अधिकारी बच्चे, बाप समान बनने का लक्ष्य रखने वाले बच्चे, विश्व कल्याणकारी का ताज पहनने की जिम्मेवारी रखने वाले बच्चे, अपने संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करने की प्रतिज्ञा करने वाले बच्चे हैं हम। तो आज भगवान को हम पर तरस आता है और बाबा कहते हैं, कौन और करते क्या है? लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे ना, याद है क्या कहते थे? बाबा कहते थे, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने, क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है। लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते, इसलिए बाप दादा ने कहा, भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलबेलापन बाप देखते रहते हैं। अंडरलाइन, ऐसे बच्चे, कैसे बच्चे जो ये संकल्प करेंगे कि सब चलता है, हो जाएगा, तो व्यर्थ में है। तो जो व्यर्थ के उलझे मैन होंगे वो बाबा की टचिंग को कैसे कैच करेंगे? तो इसको अंडरलाइन करें, बाप दादा को तरस पड़ता है, लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते, इसलिए बाप दादा ने कहा, भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलबेलापन बाप देखते रहते हैं। आज बाप दादा कह ही देते हैं कि तरस बहुत पड़ता है ना? पिछली मुरली में बाबा ने कहा था, कैसे सुनाए आपको, क्या सुनाए, आज तो मनाने आए हैं तो कैसे सुनाए। लेकिन आज बाबा कह रहे हैं, आज बाप दादा कह ही देते हैं कि तरस बहुत पड़ता है। कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि सत्युग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन क्या था, अभी तो मौज मना लो, अभी जो कुछ करना है कर लो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन ये गलत है। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते, नाम सुनाए तो कल ठीक हो जाए। आज बाबा हमारे केयरलेसनेस के थॉट सुना रहे हैं कि सत्युग में पता थोड़ी चलेगा कौन कौन सी वाली आत्मा है, अभी तो हम सब एक दूसरे को जानते हैं, सत्युग में हम कैसे पहचानेंगे, किसी को तो पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए ऐसे बच्चे सोचते हैं, अभी तो मौज कर लो, अभी जो करना है कर लो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। बाबा ने कहा, ये गलत है। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते, नाम सुनाए तो कल ठीक हो जाए। तो समझा क्या करना है? पांडव समझा कि नहीं समझा? चल जाएगा, चलेगा नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक की, हर दिन की रिपोर्ट आती है। बाप दादा के पास हर एक की, हर दिन की रिपोर्ट आती है। बाप दादा आपस में भी रूढ़िहान करते हैं, तो बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारे दे रहे हैं कि समय सब प्रकार से अति में जा रहा है, माया भी अपना अति का पाठ बजा रही है, प्रकृति भी अपना अति का पाठ बजा रही है। ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों को अपने तरफ अटेंशन भी अति अर्थात
मन वचन कर्म में अति में चाहिए। ये 2002 की मूल्य है। बाबा उस समय को अति कह रहे हैं, तो आज हम इस समय को क्या कहेंगे? फिर बाबा ने कहा, बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं, अंडरलाइन, समय सब प्रकार से अति में जा रहा है। माया भी अपना अति का पाठ बजा रही है, प्रकृति भी अपना अति का पाठ बजा रही है। ऐसे समय पर बच्चों का अपने तरफ अटेंशन भी अति अर्थात मन वचन कर्म में अति में चाहिए। अटेंशन अति में चाहिए, साधारण पुरुषार्थ नहीं। वैसे बाप दादा ने देखा है कि सेवा से लगन अच्छी है, सेवा के लिए एवर रेडी है, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवर रेडी है। लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो वाणी के साथ साथ मनसा, अपनी आत्मा को विशेष कोई ना कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो। वाणी के साथ साथ मनसा, अपनी आत्मा को विशेष कोई ना कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो। सिर्फ सुनाना नहीं है। पिछली बार की मुरली में भी बाबा ने कहा था, कितने भी कोर्स करा लो, कितने भी शिविर करा लो, कितने भी प्रोग्राम कर लो, लेकिन सफलता नहीं। क्यों? क्योंकि स्थिति में व्यर्थ है, किसी आत्मा के प्रति व्यर्थ सोच रहे हैं। आज बाबा ने कहा, वाणी के साथ साथ अपनी आत्मा को विशेष कोई ना कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो। मानो भाषण कर रहे हो तो वाणी से तो भाषण अच्छा करते ही हो, लेकिन उस समय अपने आत्मिक स्थिति में विशेष, चाहे शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्म प्यार की, कोई ना कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ और वाणी से साथ साथ संदेश दो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? स्थिति कैसी है, वाइब्रेशन कैसे फैला रहे हैं, इसको अंडरलाइन करें। तो बाबा ने कहा, वाणी से तो भाषण करते हो, लेकिन उस समय अंडरलाइन, अपने आत्मिक स्थिति में विशेष, चाहे शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्म प्यार की, कोई ना कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ। अंडरलाइन, आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ और वाणी से साथ साथ संदेश दो। वाणी द्वारा संदेश दो, मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। वाणी द्वारा संदेश दो, मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। तो हमारा अटेंशन किस पर रहना चाहिए? हम ज्यादा क्या अटेंशन रखते हैं? ये सुनाना है, ये सुनाना है, हमें ये अटेंशन रखना है, ये स्थिति में स्थित होकर रहना है, मनसा से सेवा करनी है। तो बाबा फिर हमें यूज करके वाणी की सेवा हो जाएगी, लेकिन हमारी प्रायोरिटी मनसा स्थिति पर है। भाषण के समय आपके बोल, आपके मस्तक से, नैनों से, सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे कि आज भाषण तो सुना लेकिन परमात्म प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। अंडरलाइन,
भाषण के समय आपके बोल, आपके मस्तक से, नैनों से, सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे कि आज भाषण तो सुना लेकिन परमात्म प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। जैसे भाषण की रिजल्ट में कहते हैं, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई, ऐसे ही आपके आत्म स्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करें। हाँ, सिर्फ क्या बोला उसका वर्णन नहीं, आपकी स्थिति का वर्णन करें। तो जैसे भाषण के रिजल्ट में कहते बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, ऐसे ही आपके आत्म स्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करें। मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुंचे, वायुमंडल बने, जब साइंस के साधन ठंडा वातावरण कर सकते हैं, सबको महसूस होता है बहुत ठंडाई अच्छी आ रही है, गर्म वायुमंडल अनुभव करा सकते हैं, साइंस सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकती है, गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकती है, तो आपकी साइंस, हमारी कौन सी साइंस है, साइलेंस की साइंस, तो आपकी साइंस क्या प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकती है। अंडरलाइन, साइंस गर्मी सर्दी अनुभव करा सकती है, तो आपकी साइंस क्या प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकती है? ये रिसर्च करो। सिर्फ अच्छा अच्छा किया लेकिन अच्छे बन जाएं, तब समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य लाएंगे। सिर्फ अच्छा अच्छा किया नहीं, अच्छे बन जाएं, तब समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य लाएंगे। क्यों, आपको अपना राज्य याद नहीं आता? संगम युग श्रेष्ठ है, वो ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन हे रहम दिल, विश्व कल्याणकारी बच्चे अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता, दुखमय संसार को सुखमय बना दे, ये उमंग नहीं आता, दुख देखने चाहते, दूसरे का दुख देखकर भी रहम नहीं आता। आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, तो दुख देखना अच्छा लगता है। अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो, अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो। अंडरलाइन, भावने का संगम योग, हीरे तुल्य योग बहुत श्रेष्ठ है। हम सब बच्चे मौज में हैं, मन की मौज में हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अपने भाई बहनों का दुख देख रहम नहीं आता। ये 2002 है, आज 2024 का अगर हम दुख देखें, क्या क्या नहीं हो रहा सृष्टि पर, तो बाबा ने कहा अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो। सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ, ये प्रोग्राम किया, ये प्रोग्राम किया, चलो वर्ष पूरा हुआ, अभी मर्सीफुल बनो, चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो, चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से। अंडरलाइन, दृष्टि से, अनुभूति से, आत्मिक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। अच्छा, बाप दादा ने
एक बात और भी देखी है, सुनाना अच्छा नहीं लगता। कभी कभी कोई कोई बच्चे, अच्छे अच्छे भी, दूसरों की बातों में बहुत पड़ते हैं। दूसरों की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना, और देखते भी व्यर्थ बातें हैं। पिछले 3 मुरलियों से बाबा हमें ये बार बार अंडरलाइन करवा रहे हैं, किसी भी आत्मा के प्रति एक भी व्यर्थ संकल्प ना हो। बोल तो हो ही नहीं, पर संकल्प भी ना हो। तो बाबा ने कहा, अच्छे अच्छे बच्चे भी दूसरों की बातों में बहुत पड़ते हैं। दूसरों की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना, और देखते भी व्यर्थ बातें हैं। विशेषता एक दो की वर्णन करना वो कम है। विशेषता एक दो की वर्णन करना वो कम है। हर एक की विशेषता देखना, विशेषता वर्णन करना, उनकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना। हर एक की विशेषता देखना, विशेषता वर्णन करना, उनकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना, ये कम है। अंडरलाइन कर लेते हैं आज फिर से होमवर्क को। किसी की कमजोरी को नहीं देखना वर्णन करना, हर एक की विशेषता को देखना वर्णन करना, उनकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना, ये कम है। लेकिन व्यर्थ बातें, जिन बातों को बाप दादा कहते हैं छोड़ दो, अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते लेकिन दूसरे की देखने की भी आदत है। खुद की कमजोरी छोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं लेकिन दूसरे की कमजोरी को हम खुद के चित्त पर रख लेते हैं तो आत्मशक्ति कम हो जाती है। अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते लेकिन दूसरे की देखने की भी आदत है, उसमें टाइम बहुत जाता है। बाप दादा एक विशेष श्रीमत दे रहे हैं, है कॉमन बात, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट जाता है। बोल में निर्माण बनो, बोल में निर्माण बनो, बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। बोल में निर्माण बनो, बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। बोल में ह्यूमिलिटी, शुभ भावना, मिठास, बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं, इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना, लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते, तो थोड़ा कार्य का, सीट का 5% अभिमान दिखाई देता है। अंडरलाइन है। बाबा ने कहा, भले साधारण शब्द बोलते हो, साधारण शब्द मतलब किसी को करेक्शन देना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ये ठीक नहीं था, ऐसे वाले शब्द, समझते हैं, इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना, लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते, तो थोड़ा सा कार्य का, सीट का 5% अभिमान दिखाई देता है। निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में हो। सिर्फ बोल में नहीं, मन में। अगर मन में कुछ आएगा तो फिर वो बोल में आ जाएगा। तो मन में, बोल में, संबंध संपर्क में निर्माणता, निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। ऐसे नहीं, 3 बातों में तो मैं निर्माण हूं, एक में कम हूं, तो क्या हुआ?
लेकिन वो एक कमी पास विद ऑनर होने नहीं देखी। अंडरलाइन, वो एक कमी पास विद ऑनर होने नहीं देखी। निर्मानता ही महानता है, निर्मानता ही महानता है। झुकना नहीं है, झुकाना है। हम कहते हैं ना, मैं ही चुप रहूं, मैं ही प्यार से बोलूं, हर टाइम मैं झुकूं। उसमें क्या होता है, जब हम डिस्टर्ब होते हैं या हम रोब में आते हैं, तो दूसरे क्या व्यवहार का प्रभाव हम पर पड़ा है, दूसरे के प्रभाव हम पर पड़ गया, तो हमारी स्थिति तो डाउन हो गई। लेकिन जब हम निर्मानता की स्थिति में रहते हैं, तो उनका व्यवहार हम पर नहीं पड़ा, बाबा की शक्ति का प्रभाव हम पर पड़ा, तो हमारी स्थिति ऊपर होती है। जब हमारी स्थिति ऊपर होती है, तो वाइब्रेशन से तो हम उनको दे रहे हैं ना, लेकिन जब हमारी स्थिति नीचे होती है, तो वाइब्रेशन से हम ले रहे हैं। तो ऊंची स्थिति में हम झुक नहीं रहे हैं एक्चुअली। जब हम स्थिति से हिल जाते हैं, तब हमारी स्थिति नीचे जाती है, तब हम झुक रहे हैं। तो बाबा ने कहा, ये झुकना नहीं है, ये तो झुकाना है, क्योंकि हम स्थिति में ऊंचे जाकर उनको वो श्रेष्ठ वाइब्रेशन दे रहे हैं। कई बच्चे हंसी में ऐसे कह देते हैं, क्या मुझे ही झुकना है, ये भी तो झुके। लेकिन ये झुकना नहीं है, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। आत्मा की तो बात ही छोड़ो। बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं, वो आत्मा तो झुक ही गई, लेकिन अगर आप निर्मानता से चलते हो, तो परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना हो गया है। लेकिन ये झुकना नहीं है, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। आत्मा की तो बात ही छोड़ो। निर्मानता निरअहंकारी स्वतः ही बना देती है। निरअहंकारी होते हैं तो निर्मानता आती है। निर्मानता पे पुरुषार्थ करेंगे तो अहंकार खत्म होता जाएगा। निर्मानता निरअहंकारी स्वतः ही बना देती है। निरअहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है। आपने अपना, जब आप थोड़ा सा ऐसे होकर बोलते हो, तो चाहे 5% आपको अपनी सीट का, औहदे का देह अभिमान आ गया। निरअहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। निर्मानता निरअहंकारी स्वतः ही बना देती है। निर्मानता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है। हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है। निर्मानता हर एक के मन से आपके प्रति दुआएं निकालेंगी, बहुत दुआएं मिलेंगी। दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाती है। पुरुषार्थ को ऊपर लेकर जाने के लिए दुआएं पुरुषार्थ को क्या कर देती है, रॉकेट की तरह हमें ऊंचा ले जाती है। निर्माणता ऐसी चीज है, कैसा भी कोई होगा, चाहे बिजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, लेकिन निर्माणता आपको सर्व द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगी। कितनी दुआएं। हाँ, कैसा भी कोई हो, चाहे बिजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, लेकिन निर्मानता आपको सर्व द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगी। निर्माण हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है। निर्मानता होगी तो हर एक के संस्कार के साथ क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएंगे। रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है। रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है। तो बाप दादा ने देखा है कि बोल चाल में भी
संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी, एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देता है। बाप दादा ने देखा, बोलचाल में भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी, एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देता है। इसलिए इस वर्ष में विशेष बाप दादा इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष का नाम दे रहे हैं। इसको वो वर्ष निर्माण वर्ष मनाएंगे ना। बाप दादा हर बच्चे को इस वर्ष में व्यर्थ से मुक्त देखना चाहते हैं। मुक्त वर्ष मनाओ। जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ति दो, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं दी है ना, तो मुक्ति धाम में बाप के साथ नहीं चल सकेंगे। जब तक व्यर्थ को मुक्ति नहीं दी है ना, तब तक मुक्ति धाम में बाप के साथ चल नहीं सकेंगे। तो मुक्ति देंगे, मुक्ति वर्ष मनाएंगे। जो मनाएंगे वो ऐसे हाथ करें, मनाएंगे एक दो को देख लिया ना, मनाएंगे ना। अच्छा है अगर मुक्ति वर्ष मनाया तो बाप दादा जोहरातों से जड़ी हुई थालियों में बहुत बहुत मुबारक, ग्रीटिंग्स, बधाइयां देंगे। बाबा को हम बच्चों को देखकर कितना रहम आता है। आज बाबा ने कहा क्या है और क्या करते हैं। आज बाबा ने कहा अगर आप झुकेंगे तो भगवान को भी झुका लेंगे। आज बाबा ने कहा अगर आप इसको मुक्ति वर्ष मनाएंगे तो बाप दादा जोहरातों से जड़ी हुई थालियों में बहुत बहुत मुबारक, ग्रीटिंग्स, बधाइयां देंगे। अच्छा है अपने को भी मुक्त करो, अपने भाई बहनों को भी दुख से दूर करो। अपने को भी मुक्त करो, अपने भाई बहनों को भी दुख से दूर करो। बिचारों के मन से ये तो खुशी का आवाज निकले, हमारा बाबा आ गया। ठीक है, अच्छा, चारों ओर के सर्व होलियस्ट आत्माओं को सदा निर्माण बन, निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट, तीव्र कर, संपन्न बनने वाले स्नेही आत्माओं को सदा अपने बचत का खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी, तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक। याद प्यार के साथ सभी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान, एक बल, एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक पल, एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल, एक भरोसा, अर्थात सदा शक्तिशाली। जहां एक बल, एक भरोसा है, वहां कोई हिला नहीं सकता। उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। माया सरेंडर हो गई तो सदा विजयी है ही। माया सरेंडर हो गई तो सदा विजयी है ही। तो यही नशा रहे कि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता। दिल में ये स्मृति इमर्ज रहे कि हम ही कल्प कल्प की
शक्तियां और पांडव विजयी बने थे, हैं और फिर बनेंगे। विजयी बने थे, हैं और फिर बनेंगे। आज का स्लोगन, नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। आज बाबा ने सिखाया ना हमें, अभी इस साधारण को देखो और सामने वो पवित्र शरीरधारी चित्र एकदम स्पष्ट दिखाई दे तो चरित्र बनता जाएगा। आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मवत्स संगठित रूप में शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष दयालु कृपालु बाप के साथ हर आत्मा पर दया कृपा की दृष्टि डालें, सबको दुआएं दें और दुआएं लें। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।